बहुत शानदार अध्यक्ष के हाथों से जो है आज नीम के पेड़ का जो है यहाँ जिस तरीके से लगाया गया है, यहाँ पे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और सोनभद्र पे एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, क्या है पूरा? देखिए, सोनभद्र मेरे ख्याल में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का और मनोहारी दृश्यों का एक ऐसा स्थल है जिसको पर्यटन की दृष्टि से कभी ज़्यादा तवज्जो मिली नहीं। तो मीडिया का एक विमर्श यहाँ हुआ, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की सोनभद्र इकाई के जरिए, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई, इसकी मीमांसा की गई कि सोनभद्र के ऐसे स्थल जो विश्व स्तर पर पर्यटन के मानचित्र पर स्थान पा सकते हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, उन स्थानों के बारे में मीडिया कुछ ऐसा लिखे, चूँकि मीडिया का बड़ा विस्तार हो गया है और अगर कायदे से चीज़ें लिखी जाएंगी तो विश्व के तमाम देशों तक ये बातें जाएंगी। तो वास्तव में सोनभद्र में अपार संभावनाएं हैं पर्यटन को बढ़ाया देने के लिए, और जो नेचर से गिफ्ट मिला है इस जनपद को, मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से उसका इस्तेमाल तरीके से नहीं किया गया। इसको लेकर रीता बहुगुणा ने भी आवाज़ उठाया था और केंद्र में भी इसको लेकर बैठक की गई थी यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर, लेकिन अभी तक सब उपेक्षित पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और भाजपा सरकार की कोशिश इधर रही है कि ऐसे स्पॉट्स को टूरिज्म की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, वहाँ जो सहूलियतें दी जानी चाहिए वो दिया जाए और विश्व स्तर पर उसको विकसित किया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग में इस तरह की पहल की है तो ये पहल जारी रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार सरकारी घोटाला होने के बाद और थोड़े से कुछ इंतजाम सुविधाएँ दे देने के बाद लोग धीमे पड़ जाते हैं। सतत प्रयास और सकारात्मक प्रचार प्रसार सोनभद्र की, जैसे सलखन के फासिल्स हैं, आप सोचिए सलखन के फासिल्स का महत्व पूरी दुनिया में अपने आप में बहुत अलग किस्म का है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि अगर कायदे से प्रचार प्रसार किया जाए और सहूलियतें बढ़ाई जाए, उसके संरक्षण की कोशिशें की जाए, तो ये ऐसे स्थल हैं और ये तो पूरी, आप सोचिए विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये आपका कैमूर जो प्रभाग है, ये सब ऐसे स्थान है जहाँ पूरी दुनिया का पर्यटक आना चाहिए।